वेलकम टू किड्स प्लेयर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास चार में लेसन नंबर सेवन को, यानी पार्ट सेवन को, जिसका नाम है मलेथा की गूल। आइए स्टार्ट करेंगे इस पार्ट की रीडिंग करना। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बहती हुई अलकनंदा से मैं मिल जाती है। विचित्र बात यह है कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन ना था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक युवक था, माधो सिंह। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में भी पानी आ सकता है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधो सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ है वहीं इस ओर पानी आने में बाधक है। पहाड़ी की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो उस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? माधो सिंह ने कहा, कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। सोचो, ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधो सिंह गैती फावड़ा लेकर इस भागीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। माधो सिंह चट्टान पर गेंती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफी गहरी सुरंग खोद ली। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में आ जुटे। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेदकर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के साग सब्जियों से भरे भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। यह भी जानिए, बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर गांव है। वहां के एक व्यक्ति दशरथ मांझी ने इसी प्रकार पर्वत काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया है। इस रास्ते को दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। और अगर आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मांझी मूवी नहीं देखी है तो वो भी इसी मांझी पर बनी हुई है। अब हम इसके कुछ शब्द अर्थ देखेंगे। श्रृंखला यानी कतार होता है, तीव्र तेज होता है, साकार पूर्ण होना, प्रयास कोशिश, दुष्कर बहुत कठिन, गूल पानी की नाली। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला सवाल है का, मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? तो उत्तर लिखेंगे, पानी नहीं मिल पाने के कारण मलेथा के खेत बंजर पड़े रहते थे।
रखा है पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया? उत्तर लिखेंगे, माधो सिंह ने अपनी पत्नी को उपाय बताया कि अगर हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में भी पानी आ सकता है। गा है, माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? उत्तर है, माधो सिंह के मन में सपना उभरता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार उसके खेतों तक आ जाता तो उसके खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। सपना पूरा करने के लिए माधो सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, माधो सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? उत्तर लिखेंगे, माधो सिंह ने दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और असीम धैर्य से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का क्या परिणाम निकला? उत्तर है, माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम के परिणाम स्वरूप ही मलेथा के खेत नदियों से पानी पाकर हरे भरे हो गए। सोच विचार, दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं, सोच विचार बताइए। का है, अब मलेथा गांव के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते? या अब की जगह आप होगा, आप मलेथा गांव के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते? उत्तर लिखेंगे, अगर हम मलेथा गांव के बच्चे होते तो हम भी सुरंग बनाने में पूरा सहयोग करते। पत्थर ना तोड़ पाते तो भी हम उसे ढोने में अवश्य मदद करते। दूसरे का खा है, आपके आसपास कहां कहां जल बर्बाद हो रहा है, सोचिए और जल की बर्बादी रोकने के उपाय भी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको उत्तर को आपको खुद लिखना है, लेकिन मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। तो आपका पानी जो है, जहां पर मोटर चलती रहती है, पानी बंद नहीं किया जाता है, वहां पर पानी की बर्बादी अक्सर होती है। इसे रोकने के लिए हमें पानी की टंकी जैसे ही भर जाए हमें अलार्म का कुछ सेटअप करना होगा। इस तरह से हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। पाठ में एक वाक्य आया है, प्रश्न नंबर तीसरे का है भाषा के रंग। पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे तीन वाक्यों की रचना करो जिसमें तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। उत्तर लिखेंगे, मैं तब तक लिखता ही रहूंगा जब तक पाठ पूरा नहीं हो जाता। दूसरा लिखेंगे, मोहन तब तक दौड़ता ही रहेगा जब तक वह दौड़ जीत नहीं लेता। तीसरा लिखेंगे, मैं तब तक चुनाव लड़ती ही रहूंगी जब तक मेरी जीत नहीं हो जाती। इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे। आप अपने हिसाब से भी वाक्यों में चेंजेस कर सकते हैं, या आपको अगर कुछ और वाक्य सही लगते हैं आप उन्हें भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाक्य आप अपनी कॉपी में लिखें प्यारे बच्चों। नीचे लिखे शब्दों के अनुसार लिखिए। उत्तर, उत्साह का हो जाएगा उत्साही, पराक्रम का पराक्रमी, बलिदान का बलिदानी, साहस का साहसी, परिश्रम का परिश्रमी, उद्यम का उद्यमी। नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटिए। तीव्र, फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैती, सुंदर, सिंचाई, पहाड़, हम। संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी को व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। उत्तर लिखेंगे, फावड़ा, माधो,
सिंह खेत, गढ़वाल गैती पहाड़। हम व्यक्ति का बोध करा रहे हैं माधो सिंह, और हम वस्तु फावड़ा हो गई, गैती हो गई, और स्थान क्या हो गया, गढ़वाल हो गया, और पहाड़ हो गए, खेत हो गए, ये एक स्थान हो गया। इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे संज्ञा हो जाएंगे। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, पवन जल पृथ्वी कमल घर। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, पवन के हवा और वायु, कमल के सरोज और पंकज, पृथ्वी के धरा और वसुधा, जल के पानी नीर, घर के गृह सदन आवास। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, पहाड़ विचलित तीव्र बंजर उत्साह निश्चय पानी। उत्तर लिखेंगे, माधो सिंह ने पहाड़ काटकर सुरंग बना ली। विचलित का लिखेंगे, कठिन कार्य को देखकर माधो सिंह विचलित नहीं हुआ। तीव्र का लिखेंगे, नहर में पानी तीव्र वेग में आया। बंजर का लिखेंगे, सिंचाई के बिना खेत बंजर पड़े थे। उत्साह का लिखेंगे, आलसी व्यक्तियों में उत्साह की कमी होती है। निश्चय का लिखेंगे, दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। पानी के बिना जीवित रहना असंभव है। वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे, या वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। माधव प्रातः काल उठकर सैर करने जाता है, पूर्ण विराम आएगा, कौमा आएगा। जलपान के बाद विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम आएगा। वहां खूब मेहनत से पढ़ता है, पूर्ण विराम आएगा। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, इस तरह हम उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कर लेंगे। पैराग्राफ है यहाँ पर बेसिकली एक। अब का है, आपकी कलम से तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब किसी ने कठिन समझे जाने वाले कार्य को कर दिखाया होगा। वह घटना कैसे घटी, अपने शब्दों में लिखिए। छात्र अपना अनुभव स्वयं लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऐसी घटना जिसको देखकर आपको लगता हो कि यह असंभव है, इसको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। आपकी कलम से मलेथा की गूल की कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी को लिखेंगे, मलेथा नामक गांव में माधो सिंह नाम का एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव के दोनों ओर नदी बहती थी, किंतु दोनों ओर से पहाड़ से घिरा होने के कारण पानी के अभाव में खेत बंजर पड़े रहते थे। माधो सिंह ने मन में एक सपना उभरता था कि काश किसी प्रकार नदी का पानी खेतों तक आ जाए तो खेतों में फसल उगाई जा सके। यह बात अपनी पत्नी को बताई। माधो सिंह ने योजना बनाई कि यदि पहाड़ की तलहटी से होकर सुरंग बनाई जाए तो खेतों तक नदी का पानी लाया जा सकता है। पत्नी ने कार्य में साथ देने का वादा किया। उसने पहाड़ से सुरंग बनाना प्रारंभ कर दिया। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में काफी गहरी सुरंग बन गई। उसकी लगन और परिश्रम को देखकर गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। इस प्रकार माधो सिंह ने असंभव से संभव कार्य को भी पूरा कर दिखाया। पानी पाकर बंजर भूमि भी फसलों से लहलहा उठी। अब यहाँ एक अब करने की बारी, पांचवा प्रश्न है, अब करने की बारी। यहाँ एक सूचना है जो नवीन के गांव में एक दिन सूचना पट पर लगाई गई। आप भी ऐसी सूचना बना सकते हैं। अपने विद्यालय के किसी कार्यक्रम के विषय में एक सूचना बनाइए और उसे श्यामपट पर लगाइए। तो ये आप खुद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह की सूचना कोई भी, ये टंडोला की है। प्रश्न के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो पहला है, माधो सिंह के गांव का क्या नाम था? दूसरा होगा, मलेथा गांव के दोनों तरफ कौन सी नदियां बहती थी?
इस कहानी से मैंने सीखा, कठिन परिश्रम व दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं करूंगा या मैं करूंगी, आज के बाद कोई भी काम पूरे दृढ़ निश्चय और परिश्रम के साथ करूंगी या करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।